हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंकुर ग्रोथ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर ग्रोथ फोटोग्राफ में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जाना कि कैमरे की बॉडी में लेंस को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, और आज हमारी फोटोग्राफी की दूसरी क्लास है। आज हम ये जानेंगे कि हमें कैमरे को किस तरीके से पकड़ना चाहिए जिससे कि हमारी क्लियर और शार्प इमेज हमारी आसानी से आ जाए, तो जिससे कि हम बहुत अच्छी फोटो खींच सकते हैं। तो हमें कैमरे को पकड़ने का तरीका आज सीखना है, और हमारी पोजीशन क्या होगी वो भी उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि ये हमारे कैमरे की बॉडी है, ये हमारा कैमरे का लेंस है, तो इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं ये हमने सीखा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब क्या है कि ये हमारा जो लेंस का है, ये लेंस का हमारा फ्रंट कैप है, इसको मैं हटा लेता हूँ। इसको हटा लिया मैंने यहाँ से, और ये लेंस का हुड होता है दोस्तों। ये जो है ये लेंस का हुड होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ भी लेंस पे रेड कलर का यहाँ पे मार्क दिया होता है, और हुड के ऊपर भी इन्होंने कंपनी ने रेड कलर का मार्क दिया हुआ है। तो मैं इसको दोनों को आपस में मिला करके आसानी से, ये हमारा जो है, मैंने दोनों रेड कलर को आपस में एक लाइन में इसको हमने कर दिया है, और इसको हल्का सा मैं इसको घुमा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ भी कट की जिस आवाज आती है, ये कट की जो हल्की सी आवाज होती है, बहुत हल्की सी आवाज होती है, कट की बड़े आराम से सॉफ्टली आप घुमाओगे तो ये आवाज ये बताती है हमें कि अब हमारी जो चीज है वो आपस में कनेक्ट हो गई है, लॉक हो गई है। तो अगर थोड़ा सा डाउट हो तो आप इसको दोबारा से हिला करके देख सकते हैं। अगर ये घूम रहा है तो इसका मतलब ये अभी सही से लॉक नहीं हुआ है। अगर नहीं घूमता है तो ये लॉक हो गया है। तो हमने लेंस को और हुड को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब क्या करना है हमें दोस्तों, अब हमें कैमरे का सही तरीका, हमें कैमरा किस तरीके से पकड़ना चाहिए, क्या सही तरीका होता है, सेफली तरीका क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये कैमरे की स्ट्रिप होती है, कैमरे के अंदर ये स्ट्रिप होती है। इस स्ट्रोक को हम अगर सीधा से, हम राइट हैंडी हैं तो राइट हैंड में इसको हम इस तरीके से लपेटेंगे, और राइट लेफ्ट हैंडी है तो लेफ्ट हैंड में हम इसको लपेटते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से लपेट लिया, तो अपने हाथ पे, अपनी रिस्ट पे यानी कलाई पे मैंने इसको लपेट लिया है। तो दोस्तों, इसको लपेटने का हमारा सिर्फ बेनिफिट ये है कि जब हम फोटोग्राफी करते हैं, हम फोटो खींच रहे हैं या वीडियो खींच रहे हैं, पब्लिक प्लेस में खींच रहे हैं, क्राउड में खींच रहे हैं, अगर क्राउड में भी नहीं है, एक दो जने हैं, तो हम सेफली के लिए, मतलब सेफ्टी के तौर पे हम इसको अपने हाथ पे लपेट के इसको तब हम फोटोग्राफी करते हैं। तब हमारा गलती से कोई भी, जैसे हमारे हाथ से कैमरा छूट जाए या किसी की टक्कर हो के कैमरा छूट जाए, कुछ भी मिस हैपनिंग होने के कारण हमारे हाथ से अगर कैमरा छूटता है तो दोस्तों कैमरा इस तरीके से लटक जाएगा, तो कैमरा दोस्तों नीचे नहीं गिरेगा। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि कैमरा हमारा नीचे नहीं गिरा है, कैमरा हमारा सेफ हो गया है। तो इसलिए हम अपना जो सेफ तरीका है कि हाथ पे अपना अपने जो स्टेप है इसको लपेट लिया। दूसरा, अब हमें फोटोग्राफी करनी है, यानी कि हमें फोटो खींचनी है। तो फोटो खींचने के लिए हमारे जो हाथों की पोजीशन या कैमरे को हम किस तरीके से पकड़ते हैं, तो दोस्तों हमने जिस हाथ में मैंने ये स्टेप लपेटी है, उस हाथ को जैसे यहाँ से ये इन्होंने कैमरे की बॉडी में ग्रिप दी हुई है, तो ये फिंगर्स आगे की तरफ रखना होता है, और इधर की तरफ हम यहाँ पे अपना ये वाला अंगूठा यहाँ पे टच करके रखते हैं। तो इसको हम टाइटली, इसको हमने इस हाथ से पकड़ लिया है। तो दोस्तों, दूसरा हाथ से हमें क्या करना है कि ये मेरी हथेली है, हमें हथेली को लेंस के नीचे आराम से लगाना है। तो नीचे लगा करके अब हमने कैमरे को और लेंस को दोनों को पकड़ लिया है। तो अब हमारी जो पोजीशन क्या होगी दोस्तों, नॉर्मली क्या है कि ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, ज्यादातर लोग कैमरा और लेंस पकड़ तो लेते हैं, बट वो गलती ये करते हैं कि वो अपनी कोहनियों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे कि कोहनी हमारी हिलती है तो हमारा हैंड से हाथ भी हिल जाता है और हमारी फोटो साथ नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें अपनी कोहनियों को अपने बॉडी से कनेक्ट करके इसको लॉक कर लेना होता है। इससे ये होता है कि अगर हम हिलेंगे तो हमारी कोहनी लॉक होने के बावजूद, लॉक होने के कारण हमारा कैमरा हिलने के चांस बहुत कम होते हैं। तो हमने अपनी कोहनी को अपनी बॉडी से लॉक करा, ये हमने हाथ लगाया। अब ये मेरा जो हैंड है लेंस को जिस हैंड ने पकड़ा हुआ है, ये हैंड एज ए स्टैंड का काम करेगा, यानी कि ये जो है स्टेबिलिटी हमें मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि जब हम फोटो क्लिक कर रहे हैं, फोटो क्लिक करते हुए हम अपनी सांस को रोक लें। ये इससे क्या होता है दोस्तों,
हम जब हम सांस को रोक लेते हैं तो हमारी बॉडी और ज्यादा स्टेबल हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी मोशन में होती है, हमारी बॉडी हेल्थी रहती है, जिससे भी हमारा जो फोटो है वो साफ नहीं आने के कारण बन जाता है। तो दोस्तों एक रीजन, एक तरीका ये हो गया कि हमने हाथ कैमरे और लेंस को पकड़ने के साथ हमने अपनी कॉर्नी को ब्लॉक करा है, और दूसरा जब हम फोटो क्लिक कर रहे हैं, फोटो क्लिक करते हुए हम अपनी सांस को कुछ सेकंड के लिए रोक लें। जब हम फोटो क्लिक कर रहे हैं तब हम अपनी सांस रोक लेनी चाहिए, तो इससे हमारी फोटो भी शार्प आ जाती है। दूसरा एक तरीका तो ये होगा दोस्तों, दूसरा कैमरे को पकड़ने का तरीका, जैसे कि हमारे हाथ में मेरा एक हाथ में कैमरा है, दूसरे हाथ में मेरा कोई कुछ भी चीज़ है, जैसे मैंने यही कैप ले लिया है, ये मेरे हाथ में कुछ और भी चीज़ हो सकती है। तब हमें क्या करना है, तब हमें अब अपने कैमरे को एक ऐसा एंगल फोटो खींचते हैं, या तो ये कि हमें इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम हमारे कैमरे और लेंस को अपने हमारी कलाइयों से इतनी स्ट्रांगली पकड़ें कि हम उसको काफी देर तक अगर हम हाथ उसको होल्ड रखें तो हमारा हाथ कांपना नहीं चाहिए। तो या तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो हमें क्या करना है कि हम ये हमने सपोज ग्लू ग्लास मैंने इस हाथ से पकड़ रखा है, और इस हाथ को रखने के बाद ये मैं कॉर्नी के ऊपर अपने लेंस को मैं रख सकता हूँ, तो मैं इस तरीके से भी फोटो खींच सकता हूँ। इससे क्या बेनिफिट हो गया कि अब मेरा जो लेंस है, लेंस मेरा दूसरे हैंड से होल्ड हो गया है और एक हैंड से मैंने अपना कैमरा पकड़ रखा है, तो इस तरीके से भी मैं फोटो खींच सकता हूँ, इस तरीके से भी हमारी फोटो आ सकती है। बट कोशिश हमें यही करनी है, जो सही तरीका होता है कि दोनों हाथों से ही हम कैमरे को पकड़े लॉक करके और अच्छे से हम फोटो खींच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर वाली बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।